ये निशान कहीं खजाना इसके पीछे तो नहीं? मुझे तो यही लग रहा है। चाबी, चाबी ये ऐसी मूर्ति तो मैंने पहले भी कहीं देखी है। कहाँ? हाँ, ऐसी मूर्ति मैंने द्वारका प्रसाद के घर पे देखी है 15 साल पहले। तो इसका मतलब ये चाबी उस मूर्ति की है और खजाना उस मूर्ति में? वो सब तो हम देख लेंगे, पर इसका क्या करें? अब इसकी कोई जरूरत नहीं हमें। इसे तो मैं दफन करूंगा जिंदा। जा, लेट जा अपने ताबूत में। अगर ये फिर से उठ गया तो? घबराओ मत, जब तक इसके गले में मेरी लगाम है ये यहां से हिल भी नहीं सकता। बंद कर दो इसे। तो ये चाबी इस मूर्ति की जिसमें आपका खजाना है? मेरे पापा इसी की रखवाली क्या करते थे। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें बताने से पहले ही गुजर गए। तो आप बता देती, पापा के डेथ के बाद तो आप सब गायब ही हो गए। सॉरी बेटा, तुम सही हो। वो तुम्हारे पापा हमारे इतने अच्छे दोस्त थे कि सॉरी, वो विंडो ना ओपन रह गया था। आर यू ओके? ओके, एनीवेज वो छोड़ो, ये मूर्ति तुम्हारे पास है? आई थिंक ये मूर्ति स्टोर रूम में है। आप रुकिए, मैं लेके आता हूं। ये खुलेगा कैसे? क्या बात, इतने सालों से मुझे पता ही नहीं था कि ये मूर्ति चाबी से खुलती है। दो मुझे। से कैसे? आपको खजाना मिल गया तो मुझे क्या मिलेगा? क्यों, ये खजाना हमारा था, तुम्हारे पापा सिर्फ इसकी रखवाली कर रहे थे। पंद्रह सालों से मैं इसे संभाल रहा हूं तो थोड़ा कमीशन तो बनता है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे नहीं, खजाने का 10%। 10%? कभी नहीं, 2% से ज्यादा 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ? मुझे दो। तो भूल जाओ अपना खजाना। हाँ अमृता आंटी, बाकी हिस्सा मैं अपने हिस्से में से दे दूंगी, मुझे सिर्फ 20 लाख चाहिए मेरी माँ के इलाज के लिए। सीखो आंटी, खुद सीखो, दरिया दिल इसे कहते। हो गई ना तुम्हारी डील, अब तुम चाबी दो। ये तो खाली है,
मुझे मूर्ति दिखाओ, मैं देखती हूँ। तो किसी जगह का नक्शा है। ये नक्शा तो उसी जगह का पता बता रहा है, पुराना खंडर। इस नक्शे के मुताबिक अगर इस मूर्ति को घुमाएं तो एक खुफिया दरवाजा खुलेगा। कुछ नहीं हुआ। आप जरा इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखिए। खाने की सीढ़ियां जाओ। आराम से गायत्री। काम करते हैं, हम सब यहां से अलग अलग ढूंढते हैं। मैं और गायत्री इस रास्ते से जाते हैं। आओ गायत्री। मैं लाखा के साथ जाता हूं। हम यहां से जाते हैं, चलो। यार ये उल्लू तो बड़ा लकी, नहीं मेरा मतलब है कि बहुत ही मनहूस है। चले
अमृता ये कहाँ चली गई? मुझे पता था एक दिन तुम सब यहां जरूर आओगे। द्वारका प्रसाद पापा, और फिर लूंगा मैं अपना बदला। बेटा, पापा, पापा ये आप हो? मेरी मौत का सच? नहीं। ये सब क्या हो रहा? मुझे बताओ ये क्या हो रहा है ये सब? शांत, वो तुम्हारा बाप नहीं कोई और आत्मा है। नहीं, ये मेरे पापा की आवाज है। ये तुम लोग क्या छुपा रहे हो मुझसे? और पापा ने इन्हें क्यों मारा? गायत्री तुम बताओ ये सब क्या हो रहा है? खजाना, खजाना याद रहे, आधा मेरा। इसे लेके चलते हैं। चलो चलो चलो, पकड़ो उसको। गायत्री मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये लोग ठीक नहीं है। राहुल मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। राहुल ये क्या कर रहे हो? ये वही लाल किताब है लाखा की, जिससे मंत्र पढ़ के उसने मेरे पापा को कैद किया है। मैं अपने पापा की आत्मा को आजाद कराऊंगा। इसमें से मंत्र पढ़कर वही हमें बताएंगे कि 15 साल पहले क्या हुआ था। राहुल नहीं गायत्री, मुझे हमेशा से शक था कि मेरे पापा को किसी ने मारा है। अब वही हमें बताएंगे कि वो कौन था। शायद ये वही मंत्र जिससे आत्मा मुक्त होती है। राहुल शायद ही वो मंत्र नहीं है।